भागलपुर पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद शराब माफिया खुलेआम करते हैं शराब की तस्करी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भागलपुर पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी शराब माफिया खुलेआम शराब की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। ये वायरल वीडियो भागलपुर लोधीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोधीपुर इलाके का साजन कुमार, जो काफी दिनों से शराब की तस्करी कर रहा था, कई बार जेल भी जा चुका है, फिर भी खुलेआम एक वीडियो वायरल में शराब की तस्करी करते हुए नजर आ रहा है। जबकि लोधीपुर थाना इलाके में एक महिला जो किराना दुकान के नाम पर कोरेक्स के अलावा कई नशे का पदार्थ बेचती हुई वीडियो में नजर आ रही है, जो वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में खलबली मच गई। हालांकि इस वीडियो वायरल की पुष्टि आरनाइन भारत नहीं करती। उन्हें बता दें कि जहरीली शराब से भागलपुर में आज 4 लोगों की संदिग्ध मौतें हुई, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई। बावजूद भागलपुर में शराब माफिया सक्रिय है। अरविंद कुमार, ब्यूरो आर9 भारत।